हेलो स्टूडेंट, आज हम गैलीली एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इट इज़ अ फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस टिल्टेड एट एन एंगल विद बन एंड हायर देन द अदर। इट इज़ यूज एज एन एड फॉर रेजिंग और लोअरिंग अ लोड। दो इंक्लाइंड प्लेन पर सेम हाइट पर गैलीलियो ने एक बॉल को फेंका, जिसमें बॉल जो है जब नीचे आ रही थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स से उसकी स्पीड बढ़ गई, और जब दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर चढ़ रही थी तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जाते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जिसके कारण बॉल की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो गई। पर उसने सेम हाइट को कवर किया जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था। फिर उन्होंने दूसरी साइड इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा नीचे झुकाया और फिर बॉल को पुश किया। बॉल थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पर गई ताकि वो सेम हाइट को कवर कर सके जितनी जहाँ से वो गिराई गई थी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की खींच रहा था। फिर उन्होंने दूसरे इंक्लाइंड प्लेन को नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, जिसके कारण बॉल जो है आगे मूव करती गई। ये सारी सिचुएशन जो हैं हमने आइसोलेटेड सिस्टम में करनी है जहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो। तो गैलीलियो ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब कोई भी बॉल जो है वो अपने आप नहीं रुकती, उसको रोकने के लिए उसके मोशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स चाहिए, जैसे कि फर्स्ट केस में ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा था। यही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एबिलिटी होती है अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकने की। इनर्शिया, इनर्शिया इज़ ऑफ थ्री टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। हम जानते हैं कि एक बस जिसमें एक पैसेंजर जो कि खड़ा हुआ है, जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है पैसेंजर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका अपर पार्ट मूव करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ अटैच होता है, अपर पार्ट इज़ फ्री टू मूव। जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है लोअर पार्ट भी बस के साथ मूव करता है, बट अपर पार्ट जो है अभी भी रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है, इसीलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। जैसे ही हम कार्डबोर्ड को हटाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बॉल जो है ग्लास में आ जाती है। जब कोई भी बस टर्न लेती है तो हम एक साइड मूव करते हैं। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक मूविंग बस में हमारा पूरा बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है, पर जैसे ही बस स्टॉप होती है हम आगे की तरफ गिरते हैं।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन में हमारा जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ अटैच होता है। जैसे ही बस रुकती है, लोअर पार्ट भी बस के साथ रुक जाता है, पर अपर पार्ट जो है अभी भी मूव कर रहा होता है। अपर पार्ट जो है अभी भी मूव कर रहा होता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ गिरते हैं। ये सभी लॉ ऑफ इनर्शिया की हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी बॉल पे फोर्स लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बॉल जो है अपने आप रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड से बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं।